Hello friends, this is Yogita and you are watching English Finishing School. So in continuation of our series Word of the Day, aaj aapke samne lekar aaye hain Word of the Day 3 and it's a very exciting series. Agar aapne pehle wale days ke words abhi tak nahi dekhe hain to description box mein links diye hue hain, ab wo jaake words wahan pe dekh sakte hain because they are very exciting words to improve your vocabulary on day to day basis. तो आज का जो वर्ड है दैट इज़ कम्बर्सम. कम्बर्सम इज़ एन एडजेक्टिव. एक एडजेक्टिव है जो कि एक नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है. किसी टास्क को आप कम्बर्सम बोल सकते हैं, किसी चीज़ को आप कम्बर्सम बोल सकते हैं. एंड द मीनिंग ऑफ कम्बर्सम इज़ विच इज़ स्लो, विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड इनएफिशिएंट. तो ऐसी कोई चीज़ जो हैवी होती है, ऐसा कोई टास्क जो स्लो, कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम्बर्सम. तो हिंदी में कम्बर्सम एक विशेषण है जिसका मतलब है मुश्किल और बोझिल काम के लिए इस पर्टिकुलर वर्ड को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है. सेंटेंसेज इन यूज़, किस तरह से हम इस वर्ड को डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. सेटिंग अप द टाइम टेबल इज़ अ कम्बर्सम प्रोजेक्ट. स्कूल का टाइम टेबल सेट करना एक बोझिल और मुश्किल काम है. अगला सेंटेंस, दिस इज़ वेरी कम्बर्सम प्रोसेस टू गो हैड विथ. इस प्रोजेक्ट या इस प्रोसेस को आगे लेकर जाना एक बड़ा बोझिल और मुश्किल काम है. तो किसी भी काम की जब डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं एंड इट इज़ वेरी हैवी टास्क, उस टास्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कम्बर्सम प्रोसेस, कम्बर्सम टास्क, कम्बर्सम प्रोजेक्ट. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, बट डोंट मेक योर लाइफ कम्बर्सम विद योर वोकैबुलरी. मेक इट ईजी विद आर लेक्चर्स एंड आर वीडियोज. सो फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर प्रीवियस डेज वर्ड्स एंड टुडेज वर्ड इज़ हियर फॉर यू. एवरी डे वी ब्रिंग अ न्यू वर्ड. सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल and click on the bell icon so whenever we post our next videos you get all the updates. Thank you, bye bye, stay blessed.